भाइयों एवं बहनों, सब्सक्राइब कीजिए लाफिंग कॉर्नर को और इस घंटे को दबाइए ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। एक सौ ग्यारह, एक सौ बारह, एक सौ तेरह, एक सौ चौदह, एक सौ पंद्रह। दरोगा जी आ गए। का क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये ड्यूटी के टाइम पर क्या पगलाइती हो रही है? यहाँ पर पगला इतनी क्या हो रही है? गिल्लू भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे अगर गिल्लू यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मजा। क्या मजा? अरे यार गिल्लू भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं और क्या। हमसे बदतमीजी, दरोगा से बदतमीजी। जाओ जाके पानी लाओ एक गिलास। हम ना ले पानी, खुद तो कुछ करते नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हो। ए सुनो, का हमसे जरा कायदे में ही रहो, फायदे में रहोगे। रे कलुआ जाके एक गिलास पानी ला रहे। यार हम पानी वानी नहीं लाएंगे, किसी और को बोलो। अरे तो तुम कौन सा ईंट तोड़ रहे हो? ईंट नहीं तोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ लिखना है। क्या लिख रहे हो? नहीं पता, लेकिन हम अभी लिख रहे हैं, हम लिखते ही रहेंगे। कलुआ का, कलुआ का, सारा काम कलुआ ही करे। चोर पकड़ना हो तो कलुआ, गाड़ी चलाना हो तो कलुआ, पानी पिलाना हो तो कलुआ, मतलब एक से एक काम चोर भरे पड़े हैं यहाँ। कलुआ कतई शर्म तो नहीं आ रही होगी? एक दो कौड़ी के गुंडे के सामने हमारी बेइज्जती, एक दरोगा की बेइज्जती। हमको क्या शर्म है? शर्म है तुमको? और किसी के बाप के नौकर नहीं है हम, जो सारा काम हम ही करते रहे। और ये बार बार कलुआ कलुआ क्या लगा रखा है? नाम नहीं है हमार? अच्छा कलुआ भैया क्या नाम है तुम्हारा? हमार नाम है जगमोहन तिवारी। कौन सा बीमारी? तिवारी, जगमोहन तिवारी। लगता है भाभी जी आजकल कान पे थप्पड़ नहीं बजा रही हैं आपको, इसलिए अब कुछ ज्यादा ही कम सुनाई देने लगा है। ओए, एक गिलास पानी लाना जरा। जी अभी लाया गिल्लू भैया। ये लो भैया। सांप पाल के रखे थे इतने दिनों से हम अपने चौकी में। जरा जवान पे काबू रखो साहब, अगर हमारी जवान फिसल गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना जो ये तुम्हारा गिल्लू भैया है अपने ही चार दोस्तों के खून के इल्जाम में अंदर है, कहीं अगला नंबर तुम्हारा ना लग जाए। अरे ओ दरोगा, हमारा बारे में बोलने से पहले हमारा बारे में जरा एक बात जान लो। हमार नाम है गिल्लू गोली, हमार बंदूक से चलल एक भी गोली मिस नहीं होता, सीधे खोपड़िया ही उड़ाता है। हमारी ही चौकी में खड़े होके हम ही को धमकी, एक दरोगा को धमकी। क्या करूं, हमारी एक बहुत गंदी आदत है, नर्क के दरवाजे पे खड़े होकर भी पाप करते हैं। हमारी भी एक गंदी आदत, जब तक हम तोड़ते नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं। वाह वाह क्या बोला है, तोड़ डाला फोड़ डाला, एकदम आग लगा दिया जबरदस्त। रे दरोगा बस दो मिनट में हमारा वकील आता होगा, उसके बाद हम बाहर आके तुमको बताते हैं कि आखिर गिल्लू गोली कौन है और उसका असली रंग क्या है। अरे जवान नीचे रख, और तू क्या, तेरा बाप भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता है मेरा। बाप पर मर जा रे दरोगा।
अरे ज्यादा ना बोलो दरोगा जी, अगर गिल्लू भैया बाहर आ गए हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे तुमको यहीं पर। गिल्लू भैया प्रणाम। आ गया रे वकील, चल पेपर इसके मुंह पे मार और इसको बता गिल्लू गोली कौन है। क्या हुआ गिल्लू भैया, बंदर जैसा हंस मत और इसको बता कि लोग हमसे दोस्ती नहीं करते और ये हमसे दुश्मनी करने चला है। यार आप लोग डरो नहीं, ये बहुत ही चीमर आदमी है, कुछ करता तो है नहीं, बस ये कर देंगे वो कर देंगे यही इसका काम है। ऐसा क्या हुआ था वकील साहब? अरे 6 महीने से ये मेरा पैसा लेके बैठा है, नहीं तो कभी मांगो तो देता नहीं और ऊपर से धमकी देता है कि गोली मार दूंगा। ऊपर से मुझे ही वकील हायर किया है, मेरे से ही केस लड़वाता है। इसके जैसा फकीर, बेशरम, बेहाया, निर्लज आदमी तो तुम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं होगा। वकील साहब चुप हो जाओ, नहीं तो आज बुरी तरीके से कूट दिए जाओगे। हमारा गिल्लू भैया गुस्से में है। तुम चुप रहो यार, मैं इसके जैसे 2 टके के गुंडे से डरता नहीं। और एक बात बताऊं तुम लोगों को? हाँ हाँ बताओ बताओ। तो सुनो, इसके दादाजी को फांसी पे लटकाया कौन? हम। इसके पिताजी को उम्र कैद की सजा दिलवाया कौन? हम। और अब तुम्हारी बारी है गिल्लू गोली। बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे आज ये गिल्लू गोली। तुम मेरे होते हुए कानून हाथ में कैसे ले सकते हो? तुम्हारी कानून की ऐसी की तैसी, अभी रुक। आ, 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 आ,